प्रहलाद की भक्ति और होलिका के अंत ने दिया रंग गुलाल का त्योहार। संकट मोचन हनुमान बालाजी धाम मंदिर गोलबाड़ा के चरण सेवक ने बताया कि होली ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास का प्रतीक है और होलिका जैसे बुराई के अंत का त्योहार है। जिसे ईश्वर पर भरोसा है वो कभी किसी आघात से हार नहीं सकता। बुराई कितनी भी बड़ी हो अच्छाई से जीत नहीं सकती। होली परस्पर प्रेम बढ़ाने वाला रंग गुलाल का त्योहार है। जगवीर दास ने शहरवासियों को होलिका उत्सव की शुभकामनाएं दी और कहा कि चुनावी आचार संहिता के चलते शहरवासी शालीनता से होली मनाए, नशा हुड़दंग लड़ाई झगड़ा करके त्योहार खराब ना करें। मंदिर प्रांगण में मंगलवार को साप्ताहिक होने वाले कार्यक्रम के रूप में सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में सुरुचि भंडारा आयोजित हुआ। होली फागुन जहां दोनों तरह के मौसम सम होते हैं, ना गर्मी होती है ना बरसात होती है, और होली शब्द रंग और गुलाल अबीर प्रेम और कई संदेश को लेकर यह होली उत्सव आता है। ईश्वर अपने आप को प्रमाणित करते हैं कि मैं भक्त के साथ रहता हूं और उसकी कोई उम्र नहीं होती। छोटा सा बच्चा प्रहलाद जो प्रभु की भक्ति में लीन, उसको क्या नाम है, उसकी ही बुआ उसको जलाने के लिए और ईंधन के साथ बैठती है कि, और उसे वरदान था कि वो नहीं जलेगी उसका और वो पहला जल जाएंगे। तो जब किसी का कोई बुरा चाहता है और ईश्वर भक्त कोई होता है तो वो कर नहीं पाता है और होलिका पहला को जला नहीं पाई। यानी कि बुराई कितनी भी बड़ी हो लेकिन अच्छाई से बड़ी नहीं होती है। विजय हमेशा सत्य की और अच्छाई की ही होती है। अक्सर देखने में आता है कि लोग होलिका मैया की जय, होलिका मैया की जय। अरे होलिका तो बुराई रूपी थी, वो जल के भस्म हो गई। जय बोलना है तो प्रहलाद की बोले, भक्त प्रहलाद की जय। इस तरह क्या नाम है, होली का त्योहार भक्त प्रहलाद को समर्पित करके, अच्छाई को समर्पित करके हमें मनाना है। वर्तमान में आचार संहिता चल रही है, हुदड़ंगी क्या नाम है इस तरह से क्या नाम है पेश ना आए कि उनकी होली खराब हो जाए और पुलिस के डंडे खाने पड़े अथवा जेल जाना पड़े। तो शालीनता से सभ्यता से इस त्योहार को मनाएं। यह प्रेम और उल्लास का त्योहार है। एक दूसरे के गले मिलें, सारी दुश्मनियां भूल के एक दूसरे के घर जाएं जो आपके परिचित हैं, और इस तरह इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाएं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है, बधाई है। और आज यहाँ मंगलवार होने के कारण साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा के पाठ किए गए हैं और सुरुचि भंडारा प्रसाद जी का आयोजन किया गया है। अंधकार रघुवर पुर जाई, जहां